चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे लगी बहुत भीड़, मुझे अभी तक नहीं मिला लोटा और पानी। ये मेरी देवरानी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल निधि कैलाश, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी अपने रूम से। रोटी वगैरह मैंने बना दी है और हैप्पी सावन माई ऑल यूट्यूब फैमिली। तो आज से सावन स्टार्ट है, सावन का फर्स्ट डे है और मेरा भी आज फास्ट है। तो आज हमने सोचा है मंदिर जाने का। घुनेश्वर महाराज यहाँ का मंदिर है, हमारे यहाँ जो पड़ता है मथिया गाँव में। तो वो मंदिर में ये मेरा फोर्थ टाइम होगा कि चौथा टाइम है कि मैं वहाँ जा रही हूँ। तो अब तक तो जो मैं गई थी वहाँ, तो मैं गाड़ी से गई थी और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं पैदल जाऊँगी। और पता नहीं कैसे जाऊँ क्योंकि बहुत चढ़ाई है। पांच गांव में लास्ट गांव में वो मंदिर पड़ता है, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊँगी इतनी चढ़ाई में। तो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं हो रही हूँ रेडी जाने के लिए। वो निकल गई मैंने साड़ी वहाँ पर हरी। तो चलिए मैं होती हूँ रेडी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अरे देखो, एक ऑर्डर लगा रहा है मुँह। हम जा रहे हैं फिर मंदिर के लिए। और क्या बोले, बारिश का मौसम भी हो रहा है, छाता छूटा तो मैं लाइने आ भीग के जाऊंगी। और चढ़ाई भी बहुत है, देखते हैं आज कैसा रहेगा सफ़र मेरा। आप फर्स्ट टाइम मैं पैदल जाऊंगी उस मंदिर में, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। बादल भी लगे हुए हैं। एक रास्ता यहाँ से जाता है अगर हम पैदल पैदल जाएंगे तो, और एक ये रास्ता है रोड से सीधे सीधे। तो मैं सोच रही थी रोड वाले से जाएं, रोड वाला लेकिन लॉन्ग पड़ेगा और जंगल वाला शॉर्ट पड़ता है। देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे से है पुल, ये देखिए गदेरा यहाँ का भी ख़राब हो रही है। उधर तो ज़्यादा ही था कीचड़ वगैरह। ये शॉर्ट रास्ता हमने पकड़ा है, तो ये है ऐसा चढ़ाई का। हाय, मेरी तो साड़ी में वो भी नहीं हो रहा है, पकड़ा भी नहीं जा रहा फ़ोन वगैरह भी। तो वहाँ नीचे है हमारा घर, दिख रहा है हम पैदल पैदल यहाँ। तो दोस्तों, कैसे तैसे करके ये रोड तक तो पहुँच ही गए हैं। वो देखिए वहाँ भी पीछे ही छूट गए, उधर हमारे आ रहे हैं जो साथ के। फोर सांस इतनी फूल गई, पसीना भी बहुत आ गया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत साड़ी की वजह से हो रही कि मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। देखिए पहाड़ों में भी कितने अच्छे अच्छे घर हैं। हमारा गांव दिख रहा है, यहाँ से हमारा गांव दिखता है उतना ही नीचे। दादी लोग बैठ रखे हैं यहाँ रोड में, धूप सेक रहे हैं अच्छे से। आज धूप निकली हुई है, बादल भी लगे हुए हैं। और इधर लोगों ने बो रखी है दार। ये देखो घर, ये है बक्सीर गांव ना, बुनेल गांव, बुनेल है ना, बुनाल गांव है ये। यहाँ चल, ये देखो दादी जी क्या बोल रही है। धूप अगरबत्ती वगैरह इनको शर्म आ रही है। यहाँ से इतना अच्छा व्यू दिख रहा है, ये देखिए नीचे सीढ़ीदार खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो नीचे जो सामने दिख रहा है वो हमारा घर है उधर। और पसीने से मेरी हालत हो गई है खराब, ये देखिए इतना पसीना उतर गया है। और ये बैठी हुई है दादी, क्या बोल रही है, पागल होंगे जैसे ऐसे फोने बोल रहे हैं। इधर ले रहे हैं दुकान से सामान, मैंने तो ले लिया मिठाई धूप अगरबत्ती वगैरह, ये ले रहे हैं। ये देखिए, ये है बक्सीर गांव, बक्सीरी है ना है? हाँ, तो हम कर रहे हैं आराम क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, पसीना इतना निकल गया है। तो यहाँ पे आके हम बैठे आराम कर रहे हैं, हमने कहा थोड़ा सा बैठ जाते हैं क्योंकि हम इतना दूर अभी और जाना है। वो ऊपर है, ठीक ऊपर मंदिर। हाय, पस्त हो गई है, ऊपर से साड़ी पहनी, चला जा रहा, ऊपर से पावर बैंक लेके वीडियो बनानी पड़ रही है। यार भी रह लिया नहीं है तो वो अलग था, क्या अच्छा रह ले ये डर के धन कहीं के चल ये पलंसी से और हमें आगे से और लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, इतने सारे हो गए हैं हम। लेकिन ये देख रहे हो ऐसे कीचड़ कीचड़, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे ये साड़ी उठानी पड़ रही है इतनी जगहों से। और ये चल रही है टीम, और एक हाथ में मेरा ये है पावर बैंक, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए आगे भी, ये पहुँच गए हम खोड़ के फील्ड में। आप थोड़ा दूर और हैं यहाँ से, मंदिर ज़्यादा नहीं है। प्यास भी बहुत लग गई, गला सूख गया थी चढ़ाई चढ़ चढ़ के।
देख लो मेरी हालत कैसी हो चुकी है, बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। ये हेमा मालिनी आज हमको छोड़ के आ गई और आप गाड़ी के लिए रेस लगा दी। ये तेरा बैग। यहाँ पे है धारा, तो यहाँ पे हमने थोड़ा मुँह हाथ पैर हाथ धो लिए हैं, अब चलते हैं हम आगे। गए हैं मंदिर और लोग कर रहे हैं परिक्रमा, हम तो पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, आज हालत ख़राब हो गई है हमारी। हैं लोग यहाँ पे दर्शन, ये देखिए लोग, धूप क्यों लग रही है तो मुझे कहीं नहीं होती। यहाँ पे आ गए हम शिव जी के मंदिर में, यहाँ पे नंदी यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए आए हैं, भीड़ भी बहुत है यहाँ पे, लगी है बहुत भीड़। मुझे अभी तक नहीं मिला लोटा और पानी, ये मेरी देवरानी पीछे चढ़ा रही है जल, और उधर मेरा देवर गया अभी मेरे पानी लेने। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के। तो गाइस ये मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा हो रहा था, यहाँ शिवलिंग थी तो मैं यहाँ जल चढ़ा रही थी और बहुत ज़्यादा अंधेरा था क्योंकि बहुत धूप जल रही थी तो धुआं हो रहा था, उसकी वजह से वीडियो भी प्रॉपर साफ नहीं आई। आप इसको इग्नोर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, श्री जी के दर्शन आप लोग भी कर लो। तो मैंने यहाँ पर जल चढ़ाया और उसके बाद पूजा की और शिव जी की शिवलिंग को मिठाई लगाई और थोड़े पुष्प अर्पण किए। तो यही है, मैंने थोड़ी सी मन्नत मांग ली, मैंने कहा बैठ जाते थोड़ा हाथ जोड़ जाड़ के मैंने मांग ली। बाद इसी भीड़ भाड़ में मैं निकलती हूँ मंदिर से बाहर, और मंदिर से बाहर निकलने के बाद सामने है शिवजी जी की शिवलिंग, सॉरी नंदी बैल है। तो अभी मेरे से आगे कोई नंदी बैल के कानों में कुछ बोल रहा था, कुछ मन्नत मांग रहे थे छोटे छोटे बच्चे। मैंने नंदी बैल को सबसे पहले यहाँ पर पिठाई लगाई, पिठाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने उनको पुष्प अर्पण किए, उसके बाद मैं चढ़ाऊंगी शिव जी जी नंदी बैल को जल। जल मैंने चढ़ाया, दोनों नंदी बैल थे सामने, तो जल चढ़ाने के बाद उसके बाद मैं चढ़ाऊंगी इनको दूध। दूध लाए थे, बोतल दूध ऊपर देने के लाए थे, मुझे लगा चढ़ाने के लाए, तो दूध चढ़ाया मैंने इनको। लोग चढ़ा रहे थे तो मैंने देखा वो दूध चढ़ा रहे हैं, दीदी ने बोला बस इतना ही दूध चढ़ाना है ये ऊपर देने। फिर मैंने करी शिव जी की मंदिर की परिक्रमा, और परिक्रमा भी पूरी दी भी ढंग से। फिर मैंने परिक्रमा करी शिव जी की मंदिर की, और एक ही परिक्रमा करी मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह हो। हम आ गए गाइस जल चढ़ा के, अब हम जा रहे हैं नीचे को। अब एक दूसरा मंदिर है हमारा घुणेश्वर महाराज का, अब हम जाएंगे वहाँ। तो वीडियो ज़्यादा शूट करने के लिए हो नहीं पा रहा क्योंकि ऊपर नीचे चढ़ाई वढ़ाई है, तो साड़ी में नहीं हो पा रहा है, इसलिए कहीं कहीं पे मैं बना रही हूँ। घुणेश्वर महाराज में यहाँ लगी हुई है बहुत भीड़। चलिए मैं वीडियो तो बना नहीं सकती क्योंकि मैं भी मंदिर जा रही हूँ। तो ये हम आ चुके हैं मंदिर और दर्शन कर लिए हैं मैंने, दीदी लोग कर रहे हैं। अब यहाँ से उधर उधर फिर धूप जलानी है। जला रहे हैं धूप, मैं भी जाती हूँ जलाने के लिए। कीर्तन वगैरह भी हो गए हैं और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, वहाँ मंदिर में अभी भी लोग दर्शन कर रहे हैं, लोग दर्शन कर ही रहे हैं। टाइम हो चुका है 12:30 बज गए हैं, अब थोड़ी हम फोटो शूट वगैरह करते हैं, फ़ोटो एक भी नहीं क्लिक की है हमने अभी, उसके बाद हम चलते हैं घर की तरफ। इतना अच्छा व्यू दिख रहा है, आज धूप लग गई है, अभी तक तो बारिश का मौसम था, बादल लगे हुए हैं। ये आगे दीदी लोग जा रहे हैं।
चलते हैं घर की तरफ। देखिए यहाँ पे है धार पानी की, और पहाड़ों में ये सबसे अच्छी होती है, यहाँ पे यही चीज होती है। इतनी जल्दी सच वो आ गए, गाड़ी आगे गाड़ी आगे, गाड़ी में सीट करो। ये पिकअप में बैठ गए हैं हम, पिकअप में हमें सवारी मिल गई है। अनुज की मम्मी वहाँ पीछे छूट रखे बैठ रही है। रूम में आ चुकी हूँ और लाइट भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, क्योंकि फ़ैन चलाना था, लाइट ही नहीं है, और बहुत थके हैं आज ऊपर चल के। अब लाइट पता नहीं कब आएगी, टाइम भी 2 बजने वाले हैं, 3 बजे तो हमारा उठने का टाइम हो जाता है, पता नहीं आराम करने को मिलेगा या नहीं। चलो